तुर्की और सीरिया की सीमा के दोनों छोरों पर निवासियों की नींद भूकंप से उड़ गई। ठंड, बरसात और बर्फीली सर्दियों की रात में लोग बाहर निकल आए क्योंकि झटकों के बाद इमारतें एक तरफ झुक चुकी थीं और मजबूत झटके लगातार जारी थे। कई जगह इमारतें जमींदोज हो गईं। बचाव दल शहरों और कस्बों में मलबे के टीले खोजते दिखे जहां कई लोगों के चीखने की आवाजें सुनी जा सकती थीं। भूकंप के झटके काहिरा तक महसूस किए गए। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भूकंप का केंद्र गजियांतेप से करीब 33 किलोमीटर दूर 18 किलोमीटर की गहराई पर था। यह सीरियाई सीमा से करीब 90 किलोमीटर दूर उत्तर में है। भूकंप के बाद करीब 20 झटके महसूस किए गए जिनमें से सबसे शक्तिशाली झटका 6.6 की तीव्रता का था। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने घटना के तुरंत बाद बचाव दलों को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। बचाव कर्मियों ने कहा कि तनावपूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं और अस्पताल जल्दी ही घायलों से भर गए हैं और मृतक और घायलों की संख्या काफी अधिक हो सकती है। सीरिया लंबे समय से गृह युद्ध की चपेट में है। सर्द मौसम, बारिश और बर्फबारी के बीच पहले ही नागरिक कई परेशानियों में फंसे थे, जबकि भूकंप के बाद हालात और भी खराब हो गए। यहां कई केंद्रों में देश के अन्य हिस्सों से विस्थापित करीब 40 लाख लोग बदहाली में रह रहे हैं। व्हाइट हेलमेट्स नामक विपक्षी आपातकालीन संगठन ने कहा कि सैकड़ों परिवार मलबे में फंसे हुए हैं। उधर तुर्की में भी इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। मौसम विभाग के मुताबिक भूकंप ऐसे समय में आया है जब पश्चिम एशिया बर्फीले तूफान की चपेट में है। बर्फीला तूफान बृहस्पतिवार तक जारी रहने के आसार हैं। उत्तर पश्चिम सीरिया में विपक्षी सीरियन सिविल डिफेंस ने विद्रोहियों के कब्जे वाले क्षेत्र में स्थिति को विनाशकारी बताते हुए कहा कि इमारतें ढहने से कई लोग मलबे में दब गए हैं। सीरियन सिविल डिफेंस ने लोगों से इमारतों से बाहर खुले स्थान पर रहने को कहा है। तुर्की की आपदा एवं आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी ने पहले बताया था कि 7 प्रांतों में कम से कम 76 लोगों की मौत हुई है जबकि 440 लोग घायल हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का हवाला देते हुए सीरियाई सरकारी मीडिया ने बताया कि सोमवार को आए भूकंप से सीरिया सरकार नियंत्रण वाले इलाकों में 237 लोगों की मौत हुई है जबकि करीब 630 लोग घायल हुए हैं। विद्रोही कब्जे वाले क्षेत्रों में कम से कम 47 लोगों के मारे जाने की खबर है। अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण के मुताबिक पहले भूकंप का केंद्र तुर्की के केहरामन मारस प्रांत के गाजियांटेप शहर से 30 किलोमीटर दूर और जमीन से करीब 24 किलोमीटर नीचे था। स्थानीय समय के मुताबिक ये भूकंप सुबह 4:17 पे आया। 6.7 तीव्रता का दूसरा झटका 11 मिनट बाद आया जिसका केंद्र जमीन से 9.9 किलोमीटर नीचे था। इसके 19 मिनट बाद यानी 4:47 पर 5.6 तीव्रता का तीसरा भूकंप भी आया। सीरिया के दमिश्क, अलेपो, हमा, लताकिया समेत कई शहरों में इमारतें गिरने की खबर है। ट्रेन सेवाएं रद्द कर दी गई हैं। यहां के कई इलाकों में लोगों ने बताया कि करीब 40 सेकेंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। क्षेत्र में सबसे बुरा हाल शरणार्थी शिविरों में देखा गया जहां देश भर में आतंक से जूझ रहे पीड़ित पहले ही कई प्राकृतिक दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।